उर्फ जिक्र एमक्यूएम की भूख हड़ताल का मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद की तकरीर तस्वीर और बयानात की नशर इशाअत पर पाबंदी के खिलाफ एमक्यूएम की जानिब से कराची प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताल के दूसरे रोज एमक्यूएम के रुकन सिंध असेंबली मोहम्मद हुसैन बेहोश हो गए। की जानिब से कराची प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताल दूसरे रोज भी जारी रही। सुबह 11 बजे से शुरू होने वाली भूख हड़ताल रात 11 बजे तक जारी रही। कैंप में आज एमकेएम की राबता कमेटी के अरकान अब्दुल हसीब मोहम्मद हुसैन गुलफराज खान खटक मोहतरमा रियाना नसरीन आरिफ खान एडवोकेट और एमकेएम के अराकीन कौमी व सूबाई असेंबली ने शिरकत की। कराची से मुंतखब होने वाले चेयरमैन वाइस चेयरमैन और एमकेएम के जिम्मेदारान व कारकुनान भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन सिंध असेंबली मोहम्मद हुसैन कैंप में जब तकरीर के लिए उठे तो नकाब के बायस लड़खड़ाकर गिरे और बेहोश हो गए। मोहम्मद हुसैन को भूख हड़ताली कैंप में ही इब्तदाई तिबी इमदाद दी गई, जिसके बाद उनकी हालत बेहतर हो गई। कैमरामैन सज्जाद और साथी रिपोर्टर खावर खान के साथ काशी मुश्ताक, जियो न्यूज़ कराची।